अगर आप 32 GB का मेमोरी कार्ड लेते हैं तो वहाँ पर आपको स्टोरेज 29.8 GB ही दिखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? स्टोरेज की स्टैंडर्ड यूनिट के अनुसार आप ऊपर देख सकते हैं, इस स्टोरेज को जो है इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और इसके अकॉर्डिंग जो है 1 KB में आपको जो है 1024 bytes मिलते हैं, और पूरी कैलकुलेशन जो है इसी हिसाब से होती है, आपका कंप्यूटर हो गया या फिर मोबाइल हो गया सभी में। लेकिन फ्रेंड जो स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी स्टोरेज डिवाइस बनाती है, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, वो स्टोरेज की कैलकुलेशन फ्रेंड इस हिसाब से करती हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है 1 KB में 1000 bytes जो है वो होते हैं। अब फ्रेंड लगा लीजिए, कोई कंपनी 1 GB का स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कार्ड लगा लीजिए आप, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसके अनुसार फ्रेंड 1 GB में करीब करीब 1 अरब बाइट जो है वो देगी। तो फ्रेंड उसने जो डिवाइस बनाई उसमें 1 अरब बाइट जो है इस कैलकुलेशन के हिसाब से 1 अरब बाइट जो है वो बना दिए उस डिवाइस में। अब जैसे आप उस डिवाइस को कंप्यूटर या लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल में इंसर्ट करेंगे, अब फ्रेंड आपका मोबाइल या फिर लैपटॉप जो स्टोरेज की कैलकुलेशन करेगा वो इस हिसाब से करेगा, और इस हिसाब से 1 GB का अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो फ्रेंड उसमें उसके अंदर इतने बाइट होने चाहिए। लेकिन आपने जो स्टोरेज डिवाइस इंसर्ट किया है उसमें 1 अरब बाइट है, और उनको अगर आप MB में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 953.6 MB का स्टोरेज मिलेगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप देख सकते हैं, अब आपको मिलना चाहिए था 1024 MB, लेकिन आपको मिल रहा है 953.6 MB, तो करीब करीब 1 GB में आप देख सकते हैं 70 MB का जो है वो कमी आ गई। तो इसी कारण जो है 32 GB का अगर आप स्टोरेज डिवाइस लेते हैं तो आपको 28.9 GB का स्टोरेज मिलता है।